असलमकुमर्स शगुफ्ताज क्रिएशन में एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आज की वीडियो में हम ये लेस पैटर्न बनाएंगे इसके लिए मैं वुलन थ्रेड और टेन नंबर नीडल यूज़ कर रही हूँ आइए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम थ्री स्टिच चेन बनाएंगे वन टू थ्री अब यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस देके डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे ये देखिए अगेन थ्री स्टिच चेन डबल क्रोशे अब ये जो गैप है इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव डबल क्रोशे स्टिच अब यहाँ पे हम अटैच करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे से ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चैन अब ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें हम अटैच करेंगे इस तरह से अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ताकि यहाँ पे ये फिक्स हो जाए अगेन टू स्टिच चेन वन डबल क्रोशे इस तरह से सेकेंड डबल क्रोशे वो भी इस तरह से कि ये थ्री जो धागे हैं तीनों नेडल में आ जाएं, तीनों को एक साथ बुनेंगे यहाँ पे ये पेटल बना रहे हैं वन टू थ्री चैन यहाँ पे हम बीट बनाएंगे इस तरह से वन डबल क्रोशे टू चैन अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे से ये देखिए व्यूअर्स एक पेटल हमारी रेडी हो गई है अब हम दूसरी पेटल बना रहे हैं टू चैन वन डबल क्रोशे इस तरह से टू डबल क्रोशे अब इन तीनों धागों में से थ्रेड पास करेंगे वन टू थ्री थ्री चेन यहाँ पे हम बीट बनाएंगे वन डबल क्रोशे वन टू चैन फिक्स करेंगे सिंगल क्रोशे से टू पैटल हमारी रेडी हो गई है अब थर्ड पैटल बना रहे हैं टू चैन वन डबल क्रोशे सेकेंड डबल क्रोशे अब इस तरह से थ्रेड पास करेंगे और यहां पे थ्री चेन बनाएंगे यहां पे बीट बनाएंगे अगेन वन डबल क्रोशे स्टिच टू चैन फिक्स करेंगे सिंगल क्रोशे से ये देखिए विवर्स हमारी तीनों पेटल्स रेडी हैं अब यहाँ से थोड़ा स्पेस देंगे इसके लिए हम यहाँ पे थ्री चेन बनाएंगे वन टू थ्री थ्री स्टिच चेन सिंगल क्रोशे से अटैच करेंगे अगेन थ्री चेन यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे पैटर्न रिपीट होगा थोड़ा इस तरह से बड़ा करके बनाएंगे वन टू थ्री चेन अब यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाए हैं सेम इसी तरह से पैटर्न रिपीट होगा देखिए व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बहुत ही प्यारा पैटर्न है ये नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह फिया फियामानिल्ला